1200 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी हमने आप सभी भाइयों के साथ में शेयर करी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी कंपनियां और सारे पेपर्स। हम अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस उनसे ये मांग करते हैं इसके अंदर जांच करवाएं, एंड ऑलरेडी जांच चल रही है, उसके साथ में फर्दर भी जांच हो, और उनके साथ में गृह मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि इसके अंदर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कैलाश गहलोत जी के अगेंस्ट में, क्योंकि दिल्ली के भ्रष्टाचार जितना ये आम आदमी पार्टी लिप्त है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये कहते हैं कि इनके पास सबूत नहीं है। तो देखिए, अभी तो मैंने आपको एक का सबूत दिया है, अभी 18 बाकी हैं। हर 15 दिन में हम आपको एक एक विधायक, एक एक मिनिस्टर के पेपर्स देंगे, केजरीवाल जी की तरह नहीं जो आपको ऐसे पेपर्स दिखाएं, लेकिन हम आपको पेपर्स बकायदा देंगे, आप भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हर खेवत नंबर का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आप निकाल सकते हैं। गुड़गांव के अंदर पूरे पूरे गांव इन्होंने खरीद रखे हैं, 2015 के बाद एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद में इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के सभी एविडेंस हैं, एक एक विधायक के अगेंस्ट है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। टोटल कितने विधायकों के खिलाफ आपके पास? 18 विधायकों के अगेंस्ट, और मैं अभी गवर्नर साहब को चिट्ठी भेजूंगा और जाके उनका समय लूंगा और पूछूंगा उनसे कि सर इसमें जो भी हो सकते हैं इसमें कार्रवाई करें। मैं गृह मंत्री जी को भेजूंगा, चीफ जस्टिस को भी भेजूंगा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में जो जांच एजेंसीज हैं उनको निर्देश दें कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। एक एक विधायक जिसने भ्रष्टाचार किया है, अगर उन्होंने गलत किया है, अकॉर्डिंग टू पेपर्स उन्होंने सब गलत किया है, तो उनके हिसाब से दिल्ली की जनता को लूटा है। 7,70,000 करोड़ का बजट था 11 साल में, कोई भी इन्होंने विकास नहीं किया 11 साल में। तो अब वो समय आ गया है कि कहते हैं हर एक का समय आता है, अब केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी के अगेंस्ट में, तो जब भी एक्शन लेंगे सर तभी करेंगे ना, और विधानसभा हम जरूर लड़ेंगे। तो मैंने 2014 जब मैंने पार्टी को छोड़ा था, वो पार्टी छोड़ने का कारण था मेरी टिकट को इन लोगों ने बेच दिया था, जो आज स्थानीय विधायक है, इस टाइम मौजूदा विधायक हैं, उनको ये टिकट बेचा गया था। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे समय में जब चुनाव है, इस समय में इस मुद्दे को आखिर क्यों उठाया जा रहा है? नहीं नहीं, हमारी जो वो थी ना इन लोगों से, आम आदमी पार्टी से, हम तो यही चाहते थे कब जेल जाएं ये, कब जेल जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार इन्होंने इतना कर दिया था, वो पहले मेरे साथ ही किया शुरुआत, धर्मेंद्र के साथ भी हुई थी, वो बताएंगे खुद ही। आम व्यक्ति था, उसे 55,000 करोड़ के बंगले में रहने की आदत हो गई है। अब ये 55,000 करोड़ के बंगले में रहने के लिए तैयार है, इतना आम आदमी खास कैसे हो गया? और हम लोग आज भी जमीनी पे हैं, और जितने भी इनके विधायक, मुझे नहीं लगता इतनी सैलरी होगी, क्योंकि मैं भी विधायक बना हूँ, इतनी सैलरी किसी की नहीं थी, लेकिन आज 11 साल बाद मैं पलट के देखता हूँ तो इनके हर विधायक के पास में सैलरी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुताबिक इनके पास में बहुत पैसा आ गया। अगर यही काम इनको करना था, भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहना था, इसी तरीके से राजनीति होती है, इसी तरीके से करनी थी, तो भाई हमें लगता है कि हमारी बहन का जो बलिदान था वो व्यर्थ गया। आज हमारा परिवार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा से दुखी मनाता है, कैसे केजरीवाल के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो टिकटों में ये बार बार धांधलेबाजी करता है, जो बेचता है, लोगों से पैसे लेता है, उस लोगों को भी बताना चाहिए कि भाई मैं टिकट खरीद के आया हूँ, और टिकट खरीद के आया हूँ तो मैं इसी तरीके से काम करूँगा भाई, जिस तरीके से करना चाहिए। लोग जब किसी चीज़ में बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये कोई आम आदमी पार्टी का लोग नहीं है, जितने भी ईमानदार लोग थे वो सब छोड़ के जा चुके, आज बेईमानियों का राज है।